दिल्ली मेट्रो इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रेवल इन दिल्ली. इनफैक्ट इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम ना दिल्ली में है, और ये सिर्फ नेशनल कैपिटल हमारा जो दिल्ली है उसमें ही नहीं बल्कि आसपास के दिल्ली NCR रीजन में भी जाता है. एंड दीज राइड्स आर वेरी इजी एंड कन्वीनियंट. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ तो यहाँ पे दिल्ली मेट्रो में डेली कम से कम 10 लाख से भी ज्यादा राइड्स ली जाती है. और अगर आप दिल्ली में घूमने आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप दिल्ली मेट्रो में तो चढ़ेंगे ही, बल्कि दिल्ली मेट्रो कहीं दूर जाने के लिए बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और अफोर्डेबल भी. एंड इवन दो दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करना घूमना फिरना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये वीडियो मैं आज उनके लिए लाई हूँ जो दिल्ली मेट्रो में पहली बार चढ़ने वाले हैं या फिर कभी ट्राई नहीं किया एंड दे वांट टू नो कि कैसे करना है क्या करना है. और बेसिकली मैं ये बताने वाली हूँ कि आप दिल्ली मेट्रो में कैसे मजेदार राइड ले सकते हैं. सो हियर वी हैव हाउ टू ट्रैवल इन दिल्ली मेट्रो फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेप बाय स्टेप गाइड. So there are 10 color-coded metro lines, each having a different route. And so the first thing that you have to do is find your nearest metro station. You can very easily find your nearest metro station. बल्कि दिल्ली तो पूरा हर जगह पूरा मेट्रो 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 स्टेशन से भरा हुआ है. तो आपको वेरी इजिली गूगल मैप्स में अगर आप देखेंगे तो आपको अपना नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन दिख जाएगा. अगर आपको नहीं पता है तो किसी लोकल इंसान से पूछिए या फिर जो रिक्शा वाले हैं वो भी आपको आराम से बता देंगे. नंबर टू, डाउनलोड द दिल्ली मेट्रो ऐप और मेट्रो मैप फ्रॉम गूगल. सो ये वाला जो स्टेप है ना वो ऑप्शनल है, मतलब अगर आप डाउनलोड करना चाहे नहीं करना चाहे तो आपकी मर्जी है. आपको मेट्रो मैप हर एक मेट्रो स्टेशन में दिख जाएगा, वहाँ पे स्टिकर लगा हुआ होता है. बट दिस इज माई सजेशन बिकॉज मेट्रो मैप अगर आपके पास हो तो इट इज वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि यू कैन कीप ऑन चेकिंग योर सेल्फ की आपको कौन से रूट पे कौन से लाइन पे क्या क्या जाना है, तो बहुत ईजी हो जाता है. और ये जो ऐप है दिल्ली मेट्रो का वो आप इजीली प्ले स्टोर में गूगल प्ले स्टोर में या फिर ऐप स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा, और ये आपको फेयर से लेकर रूल्स प्लस एवरीथिंग सब आपको दिखा देगा. नंबर थ्री, बाय अ टोकन और कार्ड. नाउ दैट यू हैव रीच्ड योर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तो आपका जो सेकंड स्टेप बनता है वो ये कि आप जाकर टोकन या फिर कार्ड खरीदो. सो टोकन जो है वो बेसिकली वन टाइम यूज के लिए होता है फॉर अ वन टाइम कम्यूट, जिसको आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं. पर अगर आप कार्ड खरीदते हैं तो कार्ड यू कैन यू नो रिचार्ज इट पुट सम बैलेंस, और जब तक वो बैलेंस खत्म हो जाता है आप उस कार्ड को बार बार यूज कर सकते हैं. सो टोकन खरीदने के लिए आपको जाना है एक मशीन है वहाँ पे जिसका नाम है TVM, मतलब टोकन वेंडिंग मशीन. तो वहाँ पे आप अपना डेस्टिनेशन चूज करिए, पैसे दीजिए एंड देन यू विल गेट द टोकन, और आपको अपना टोकन फिर मिल जाएगा. पर अगर आपको कार्ड लेना है तो एक कस्टमर केयर का वहाँ पे बूथ होगा, सो यू हैव टू गो देयर फॉर परचेजिंग योर फर्स्ट टाइम का कार्ड, जिसमें आपको 50 रुपीज कार्ड का देना पड़ेगा एंड 100 रुपीज यू हैव टू रिचार्ज मिनिमम. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कार्ड लेने जा रहे हैं सबसे पहली बार तो आपको टोटल ₹150 डालना पड़ेगा. पर अकॉर्डिंग टू यू आपको कितना रिचार्ज करना है, 100, 200, 300 आप कितना भी रिचार्ज कर सकते हैं. वेल आई वुड सजेस्ट यू टू स्टिक विद टोकन्स अगर आप दिल्ली में सिर्फ बहुत ही कम टाइम के लिए आए हैं, 1-2-3 दिन के लिए. पर अगर आप दिल्ली में बहुत लंबे टाइम के लिए आप रहने वाले हैं देन बाइंग अ मेट्रो कार्ड विल बी मच मोर अफोर्डेबल एंड रीजनेबल. नेक्स्ट स्टेप इज सिक्योरिटी चेक. सो यू हैव गॉट द टोकन एंड नाउ यू हैव टू गेट योरसेल्फ एंड योर बैग्स चेक्ड बाय सिक्योरिटी. तो ये वाला जो स्टेप है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही स्मूथ स्टेप है. पर अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो मेट्रो में नहीं जाने चाहिए तब आपको ये बात ध्यान से सुनना पड़ेगा. सो थिंग्स लाइक शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि सीजर्स हो गया, नाइफ हो गया, ये सब चीजें आप मेट्रो में नहीं ले जा सकते. इनफैक्ट आप तो प्लांट्स जिसमें मतलब सॉइल भरा हो आप वो भी नहीं ले जा सकते. अब ध्यान रखना कि आप लेकर जैसी चीजें नहीं ले जा सकते दिल्ली में, दिल्ली मेट्रो में. सो इफ यू अवॉइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बल्कि बहुत ही लंबा लिस्ट है और भी आपको शायद गूगल में मिल जाए, दिल्ली मेट्रो के वेबसाइट में मिल जाए, पर ये बेसिक थिंग्स अगर आप अपने माइंड में रखें तो आपको सिक्योरिटी चेक पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अगला स्टेप वो है स्कैन द टोकन और कार्ड ऑन द गेट. तो जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक कर लिए होंगे तो वहाँ पे आपको गेट्स दिखेंगे जिसमें आपको अपना टोकन या फिर कार्ड स्कैन करना है एंड यू पास थ्रू द गेट और आप मेट्रो के जो मेन प्रीमिसेस है आप उसमें चले जाएंगे. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट स्टेप, गो टू द प्लेटफॉर्म. Now this step can be a little tricky. In fact, मैं इतने सालों से हूँ दिल्ली में, मेरे लिए ये स्टेप अभी भी काफी बार ट्रिकी हो जाता है. दिल्ली मेट्रो में यूजुअली दो प्लेटफॉर्म्स रहती हैं, एक जो इस तरफ जाने वाली, एक उस तरफ जाने वाली.
एंड समटाइम्स इट गेट्स रियली कन्फ्यूजिंग कि अगर आप नए नए आए हैं और आपको नहीं पता कि आपको किस डायरेक्शन में कौन से डेस्टिनेशन की तरफ आपका स्टेशन हो सकता है, तो आप कभी कभी एक बार दूसरे प्लेटफॉर्म के तरफ जाने वाला डेस्टिनेशन पे आप चढ़ जाते हैं जो आपके रूट से बिल्कुल उल्टा हो जाता है। सो इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना कि प्लेटफॉर्म में जब आप मेट्रो में आप चढ़ने वाले होंगे तो आप सही प्लेटफॉर्म में खड़े हो। अब आप प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, मेट्रो भी आ गई है, आपको पता है कि आपका स्टेशन कौन से डेस्टिनेशन की तरफ है, तो मेट्रो आ गई है तो बस सीधा आपको चढ़ जाना है। सो वन थिंग यू शुड रिमेम्बर इज दैट द फर्स्ट कोच टुवर्ड्स द मूविंग डायरेक्शन, वो वाला जो कोच होता है, जब सबसे पहला कोच होता है, वो एक्चुअली लेडीज के लिए, वुमेन के लिए वो रिजर्व होता है। सो फॉर मेल पैसेंजर्स आप उन डब्बों में नहीं चढ़ सकते, उस डब्बे में सिर्फ वही वाला कोच है जो वुमेन के लिए रिजर्व होता है, एंड विच इज आई मीन इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर वुमेन लाइक अस, क्योंकि बहुत भीड़ होती है जो बाकी सारे कोचेस में, एंड यू नो यू फील सेफर। सो मेल पैसेंजर्स मेक श्योर टू रिमेंबर दिस, अगर आप अपने फैमिली के साथ जिसमें आपके मेल मेंबर्स भी है तो आप सबसे पहले वाले कोच में मत जाना। ओके सो हम लास्ट स्टेप पे आ गए हैं विच इज टू गेट ऑफ द ट्रेन। ये काफी इजी है, आई डोंट नो व्हाई एम आई गिविंग यू दिस स्टेप, बट कई बार ऐसा होता है कि you know, हम ट्रेन में होते हैं, हम भूल जाते हैं, बट इवन दो हमारे ट्रेन में अनाउंसमेंट हो जाती है और वहां पे डिस्प्ले भी हो जाता है कि नेक्स्ट स्टेशन ये आने वाला है या वो आने वाला है, बट स्टिल गाइस अगर आपका स्टेशन आने वाला हो सो बी अलर्ट एंड गेट ऑफ द ट्रेन वेरी इजिली। सो जैसे ही आप ट्रेन से उतरते हैं आपको एग्जिट गेट की तरफ जाना है, वहां पे जो आपका टोकन है वो एक छोटा सा होल रहेगा गेट पे, उस पे आपको ड्रॉप करना है एंड देन यू विल गो। और अगर आपके पास कार्ड है तो आप कार्ड को स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके कार्ड अपने साथ लेके जाइए, आपका बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा एंड यू विल बी गुड टू गो। ओके गाइस तो ये थे कुछ स्टेप्स जो मैंने आपको बता दी कि आप दिल्ली मेट्रो में कैसे आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, बट हियर आर सम प्रो टिप्स दैट आई वुड लाइक टू गिव टू यू। पहला टिप ये कि दिल्ली मेट्रो में अभी भी मास्क कंपलसरी है। इवन तो आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे बिना मास्क पहने हुए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली मेट्रो के जो ऑफिशियल्स है वो you know, चेकिंग पे आते हैं एंड दे विल चार्ज यू ₹500 अगर आपने मास्क नहीं पहना हो। तो अगर आपको मास्क नहीं भी पहनना है तो प्लीज उसको हैंडी रखना, अदरवाइज ₹500 आपके गए। नंबर टू प्रो टिप ये है कि बी रेडी फॉर द क्राउड। दिल्ली मेट्रो में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, स्पेशली एट पीक आवर्स, सुबह के 7 से 9, 10, 11, फिर शाम के you know, 4 से लेकर 9 PM, 8, 9 PM तक इनफैक्ट बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। उस चीज़ के लिए बिल्कुल आप रेडी रहना मेंटली एंड फिजिकली भी, और अगर आप पीक आवर्स पे नहीं जा रहे हैं तो आपको उतनी भीड़ नहीं मिलेगी। ओके सो लास्टली मेरा ये प्रो टिप है कि जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द राइड। ओके गाइस तो ये था हाउ टू ट्रैवल इन दिल्ली मेट्रो फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेप बाय स्टेप गाइड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके ये वीडियो काम आया हो तो लाइक जरूर करना और कॉमेंट्स पे जरूर बताना मुझे ये बात। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, जहाँ पे मैं कई सारे बिहाइंड द सीन्स आपको दिखाती रहती हूँ डेली, एंड यू डोंट वांट टू मिस दैट। ऑलराइट गाइस दैट इज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। आप लिकर तो बिल्कुल भी नहीं ले जा। और क्या गाइस, अगर आपने मेरे सब्सक्राइब को चैनल नहीं किया पूरा न्यूज़ वाले दिन में।